सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। मेरा नाम है मोनू शर्मा और इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ व्हाट्सएप पेमेंट्स के बारे में। दोस्तों, व्हाट्सएप के अंदर आप पेमेंट्स फीचर को कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसमें यूपीआई कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए और मेरे चैनल पर पहली बार आए तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही नॉलेज और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मिलते रहते हैं। दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि व्हाट्सएप पेमेंट्स फीचर को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप के अंदर। तो दोस्तों, मैं आपको अपने व्हाट्सएप के अंदर सबसे पहले आपको व्हाट्सएप को ओपन कर लेना है। अगर आपका व्हाट्सएप अपडेट नहीं है तो आप उसको अपडेट भी कर लीजिए, क्योंकि आप व्हाट्सएप को अपडेट नहीं करेंगे, अगर आपका पुराना वर्जन आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको पेमेंट्स का ऑप्शन दिखाई नहीं देगा। तो इसलिए आप अपने व्हाट्सएप को पहले अपडेट कर लीजिए। अपडेट करने के बाद आपको ऑप्शन में आना है। ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा पेमेंट्स का, तो पेमेंट्स पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। इसके बाद आपको ऐड पेमेंट मेथड में जाना है। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, इसको आपको एक्सेप्ट करना है। आप इसको पढ़ना चाहें तो आप पढ़ भी सकते हैं यहाँ पर ऊपर, और अगर नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे आप एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो इसमें आपका जो भी व्हाट्सएप का नंबर है आप जो यूज़ कर रहे हैं वो आपका किस बैंक में लिंक है आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले आपको अपना बैंक चूज़ करना है। बैंक मैंने चूज़ कर लिया है। इसके बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। उसके बाद आपको वेरीफाई पर क्लिक करना है। तो ये आपके स्मार्टफोन से एक मैसेज भेजेगा और उस मैसेज से ये वेरीफाई करेगा आपके सिम कार्ड को। आपको आप सिम सेलेक्ट करना है, जो भी आपका व्हाट्सएप का नंबर है जो यूज़ कर रहे हैं वो सिम आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ये आपके बैंक अकाउंट को फैच कर लेगा। मैंने अपना पेटीएम का बैंक अकाउंट इसमें लिंक किया है तो यहाँ पर इसने फैच कर लिया है। इस पर आपको लिखा आ गया यहाँ पे बैंक अकाउंट का ऑप्शन, और इसमें नाम भी लिखा गया मेरा, और बैंक अकाउंट जो मैंने सेलेक्ट किया है वो आ गया है। इसके बाद इस पर यहाँ पे जो भी आपका बैंक अकाउंट इसने फैच किया है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का आपके इंटरफेस दिखाई देगा। थोड़ी देर ये लोडिंग लेगा और इसके बाद में आपको मैं कंटिन्यू करके दिखाता हूँ। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको लिखा जाएगा सेटअप कंप्लीट, यू कैन नाउ सेंड पेमेंट्स इन व्हाट्सएप, ओपन द चैट एंड टैप स्टार्ट टू कंटिन्यू सेंडिंग। तो ये आपका पेमेंट्स ऑप्शन आपका ऐड हो चुका है व्हाट्सएप के अंदर। आप व्हाट्सएप से पेमेंट कर सकते हैं। इस तरह से आप ही अपने बैंक अकाउंट को इसमें लिंक कर सकते हैं। सारी चीज़ें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर दी हैं। अब आपको चैट में जाना है। किसी से भी आप जैसे चैट करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देते हैं। जैसे आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। तो यहाँ पर आपको पेमेंट्स का ऑप्शन भी दिखाई देगा। आपको पेमेंट्स पर क्लिक करना है। जैसे आप पेमेंट्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई दे जाएगा। तो आप पेमेंट उन्हीं को सेंड कर पाएंगे जो व्हाट्सएप पे यूज़ कर रहे हैं पेमेंट्स वाले ऑप्शन को। अदरवाइज़ आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो जो लोग व्हाट्सएप पे कनेक्ट हैं, जो यूपीआई का जो ऑप्शन है उनका कनेक्ट है व्हाट्सएप पे, पेमेंट्स कनेक्ट है, तभी आप उनको पेमेंट कर पाएंगे, अदरवाइज़ आप नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस तरह से आप व्हाट्सएप पेमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से काफ़ी कमाल का फीचर ये व्हाट्सएप के अंदर ऐड हुआ है। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं सारे फीचर्स को। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल बनाया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मिलते रहते हैं। दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।